अब मैं आपके सामने लेटर फॉर्मेशन सिखाऊंगी आप लोगों को लेटर्स को कैसे बनाया जाता है ठीक है एक ट्रू जो तरीका होता है प्रॉपर वो आप देखेंगे ये फोर लाइंस हैं ठीक इन फोर लाइंस के अंदर आपने देखना है दरमियान की दो लाइंस में जब आप अपने बच्चे को टीच करेंगे या जब आप ये मेरा वीडियो बताएंगे दिखाएंगे तो आपने ये साथ साथ उनको बताना भी है और ये अगैन एंड अगैन एवरी डे दिस लेसन शुड बी मैंने तो एक बार वीडियो बना दिया अब आपका काम है कि आपने ऑलमोस्ट वन मंथ अपने बच्चों को ये वीडियो रिपीटेडली इन द मॉर्निंग जस्ट वंस इन अ डे आपने ये दिखा देना है ताकि उनको ये चीज ब्रेन में बैठ जाए ठीक है आपने क्या करना है ये वन टू थ्री फोर लाइन्स हैं मेक अ लिटल सी गो अप कम डाउन मेक अ विंग अब जब वो डेली मेरी आवाज सुनेंगे दे विल ऑल्सो स्पीक

make a one in up lines up three lines then go up and then make it round make its belly it is b you get it in mid two lines make a little c it is c in mid two lines make a little c go up come down make a little wing this is d <laughs> In mid two lines, take a line straight, go up, make it round C. It is E. And then in up three lines, make a line and then make a wing in it. It is F. You see this? In mid two lines, make a little C, go up, come down, fold it. It is G. Abdekni. बच्चे को कॉन्सेप्ट आ रहा है लेटर बनता कैसे है ये नहीं ऐसे बना लिया पेंसिल छोड़ दी फिर उसके बाद नीचे से ऊपर लिया ऐसा गलत ये गलत है ठीक है अब आप देखें एच मेक अ वन इन अप थ्री लाइंस गो अप एंड देन मेक अ विंग लाइक दिस इन मे टू लाइन्स मेक अ लिटल वन एंड अ डॉट ओवर हेयर योर डॉट शुड नॉट बी गोइंग अप ऑन द लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका डॉट इट इज आई इन लास्ट थ्री लाइन्स मेक अ वन देन फोल्ड इट लाइक दिस जे इज टॉकिंग टू आई आपने ये बताना है जे आई से बात कर रहा है क्योंकि जे का मुंह आई की तरफ है बी इज टॉकिंग टू सी डी इज टॉकिंग टू सी बी एंड सी वॉन्ट टू मेक अ फ्रेंडशिप बट सॉरी बी एंड डी want टू मेक अ फ्रेंडशिप बट सी इज इन बिटवीन दे want टू टॉक टू each अदर दे आर जस्ट peeping ओवर each अदर इस तरह की बातें करेंगे स्टोरीज बनाएंगे बच्चे ज्यादा एंजॉय करेंगे लिखने में उनको ये चीज नहीं भूलेगी मिस B का मुंह किधर होता है यू हैव सीन सॉरी आई एम to राइट अ ट्रिकी लेटर इसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी मेक अ वन two lines. Drag it. Go up. Come a little bit down and then sketch like this. We have not picked up our pencil. You see this? Now it's a very simple word L. In up three lines, make a little wing. Make a one and then fold it. It is L. Now in up three lines, make a little one. Go up, move it like this, then go up again, move it like this and make a wing. It is M. Now in up three lines, make a 1. go up and then fold it like this. this is n. you get it. now in middle lines, make a little ball. it is o. now in last three lines, make a 1. go up. then make a belly. it is p. p is going to talk to the q. make a c. go up. come down. make a little wing. make it a little tail.

Like this, S. S to botasane. Then in up three lines, make a one, fold it, it is T. Then in mid two lines, make a one, then go straight, make a one, go straight, go up, and then make a wing. This is U. Then make a little one like a slash and then go up again like a slash. This is V in two lines make a little slash then go up again and then make w it's w then x two semi vertical lines now make a little u then go down and then make a wing like this it is y and the last letter is z it is easiest you see this the letter formation इज़ क्लियरली विजबल टू यू जी जनाब हमारी क्लास हो गई है खत्म रिलेटेड टू द ए बी सी स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स वाली कोई बात ही नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है साउंड जो हम स्मॉल लेटर्स से सीखते हैं हम बहुत जल्दी अपने पास डिस्प्ले सूरत में यानी कि लिखा हुआ यहाँ पर डिस्प्ले में भी लगाएंगे जो जो चीज़ हम करते जाएंगे हम उसको लिख लिख के साथ में लगाते जाएंगे ताकि हमें ये चीज़ें डेली रिपीट हो सके जैसे ही हम इसको लेक्चर की फॉर्म में अभी आज हमारा सिर्फ काम था इन चीज़ों को सीखना जो कि स्टार्ट है हमें जब तक उस चीज़ का पता नहीं चलेगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड है तो हम कैसे सीखेंगे कि हमने स्पेल कैसे करना है लफ्ज़ को कैसे बनाना है आगे 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 हम चलते जाएंगे और हम वही फर्स्ट फोर्टी मिनट्स वाला लेक्चर जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बताया वन आई वॉज टेकिंग मॉन्डिस क्लास उस लेक्चर को मैं डेली uh, रिपीट करती थी विद न्यू कॉन्सेप्ट विद न्यू थिंग्स लेकिन उसमें डेली ये ए बी सी होती थी तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हमने बहुत मेहनत की है और ऑब्वियसली हमने आज सीखा है कि लेटर्स को फॉर्म कैसे किया जाता है और उनको परफॉर्म कैसे, कैसे, कैसे किया जाता है उनको बोला कैसे जाता है स्पेल कैसे किया जाता है साउंड क्या होते हैं कन्फ़्यूज़ नहीं होना है जो चीज़ ना समझ में आए कॉमेंट्स करें मैं बताऊँगी थैंक यू सो मच अल्लाह